दोस्तों तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार रामचरण की मच अवेटेड मूवी जंजीर को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जंजीर मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 6 सितंबर 2013 को रिलीज हुई हिंदी और तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी जंजीर। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अपूर्वा लखिया ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो रामचरण, संजय दत्त, प्रियंका चोपड़ा, प्रकाश राज, माही गिल, अतुल कुलकर्णी, अंकुर भाटिया, कविता कौशिक, दयाशंकर, विक्रमजीत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, Amazon.in पर इस मूवी को 5 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। यह मूवी का म्यूजिक मीट ब्रोज और आनंद राज के द्वारा दिया गया है। यह मूवी दो भाषाओं में रिलीज की गई थी, हिंदी और तेलुगु में। यह मूवी की प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस, फ्लाइंग टर्टल फिल्म्स और रैम्पेज है। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी OTT प्लेटफॉर्म G5 पर। जी हाँ दोस्तों, G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जंजीर मूवी आपको पसंद आने वाली है। जंजीर मूवी की कहानी की बात करें तो दोस्तों विजय रामचरण एक बहुत ही गुस्से वाला और स्ट्रिक्ट पुलिस वाला है। विजय के गुस्से की वजह से कई बार ट्रांसफ़र हो चुके हैं। आखिर उसका ट्रांसफ़र मुंबई में होता है, जहां पर तेजा प्रकाश राज का ऑयल माफिया का बिजनेस चलता है। विजय इस ऑयल माफिया को ख़त्म करने के लिए ठान लेता है। माला प्रियंका चोपड़ा एक NRI है, जो कि अपनी एक फेसबुक फ्रेंड की शादी अटेंड करने को न्यूयॉर्क से मुंबई आती है। उसी दौरान एक पेट्रोल पंप के पास हुए एक मर्डर को देख लेती है, तो पुलिस को फ़ोन करती है और मर्डर के बारे में बताती है। विजय पता लगाता है कि आखिर पुलिस को फ़ोन किसने किया था। माला का पता जानकर वो होटल में आकर माला से मिलता है और उसे मदद करने को कहता है। पहले माला मना कर देती है, लेकिन बाद में वो पुलिस के साथ मिलकर उस अपराधी को पकड़ने में मदद करती है। विजय माला को अपने घर पर ही रहने के लिए कहता है, क्योंकि गुंडे माला को मारने की कोशिश करते हैं। तेजा किसी तरह से चालाकी से विजय को सस्पेंड करा देता है और उसके बाद विजय पूरी तरह से तेजा को बर्बाद करने में जुट जाता है। आखिरकार विजय को यह भी पता चलता है कि बचपन में जिस इंसान ने उसके माता पिता को मारा था वो तेजा ही था, और तेजा को मार डालता है। विजय के घर पर रहते माला और विजय एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। विजय और माला के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके करीब आ जाती है। फिल्म में दोनों के बीच कई रोमांटिक सीक्वेंस शूट किए गए हैं। यह मूवी साल 2013 में आई द्विभाषिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन अपूर लाखिया ने किया है। यह फिल्म हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी।
यह फिल्म वर्ष 1973 में आई फिल्म जंजीर का रीमेक थी। फिल्म में तेलुगु एक्टर रामचरण तेजा और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप मूवी साबित रही थी। यह मूवी बिल्कुल भी नहीं चली थी। अगर आपको इस मूवी को देखना है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा, जी अनमोल, जी एक्शन, इन सभी टेलीविज़न चैनल्स पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों, आप भी इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, यह मूवी के अंदर आपको शानदार ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ कई रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो जंजीर मूवी वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित रही थी, लेकिन आप इस मूवी को हिंदी में एक बार तो ज़रूर देख सकते हो जी सिनेमा। और दोस्तों, तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार रामचरण की मच अवेटेड मूवी जंजीर को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जंजीर मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 6 सितंबर 2013 को रिलीज हुई हिंदी और तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी जंजीर। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अपूर्वा लखिया ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो रामचरण, संजय दत्त, प्रियंका चोपड़ा, प्रकाश राज, माही गिल, अतुल कुलकर्णी, अंकुर भाटिया, कविता कौशिक, दयाशंकर, विक्रमजीत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, Amazon.in पर इस मूवी को 5 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। यह मूवी का म्यूजिक मीट ब्रोज और आनंद राज के द्वारा दिया गया है। यह मूवी दो भाषाओं में रिलीज की गई थी, हिंदी और तेलुगु में। यह मूवी की प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस, फ्लाइंग टर्टल फिल्म्स और रैम्पेज है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी OTT प्लेटफॉर्म G5 पर। जी हाँ दोस्तों, G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जंजीर मूवी आपको पसंद आने वाली है। जंजीर मूवी की कहानी की बात करें तो दोस्तों, विजय रामचरण एक बहुत ही गुस्से वाला और स्ट्रिक्ट पुलिस वाला है। विजय के गुस्से की वजह से कई बार ट्रांसफ़र हो चुके हैं। आखिर उसका ट्रांसफ़र मुंबई में होता है, जहां पर तेजा प्रकाश राज का ऑयल माफिया का बिजनेस चलता है। विजय इस ऑयल माफिया को ख़त्म करने के लिए ठान लेता है।
माला प्रियंका चोपड़ा एक NRI है जो कि अपनी एक फेसबुक फ्रेंड की शादी अटेंड करने को न्यूयॉर्क से मुंबई आती है। उसी दौरान एक पेट्रोल पंप के पास हुए एक मर्डर को देख लेती है तो पुलिस को फ़ोन करती है और मर्डर के बारे में बताती है। विजय पता लगाता है कि आखिर पुलिस को फ़ोन किसने किया था। माला का पता जानकर वो होटल में आकर माला से मिलता है और उसे मदद करने को कहता है। पहले माला मना कर देती है लेकिन बाद में वो पुलिस के साथ मिलकर उस अपराधी को पकड़ने में मदद करती है। विजय माला को अपने घर पर ही रहने के लिए कहता है क्योंकि गुंडे माला को मारने की कोशिश करते हैं। तेजा किसी तरह से चालाकी से विजय को सस्पेंड करा देता है और उसके बाद विजय पूरी तरह से तेजा को बर्बाद करने में जुट जाता है। आखिरकार विजय को यह भी पता चलता है कि बचपन में जिस इंसान ने उसके माता पिता को मारा था वो तेजा ही था और तेजा को मार डालता है। विजय के घर पर रहते माला और विजय एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। विजय और माला के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके करीब आ जाती है। फिल्म में दोनों के बीच कई रोमांटिक सीक्वेंस शूट किए गए हैं। यह मूवी साल 2013 में आई द्विभाषिक एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन अपूर लाखिया ने किया है। यह फिल्म हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। यह फिल्म वर्ष 1973 में आई फिल्म जंजीर का रीमेक थी। फिल्म में तेलुगु एक्टर रामचरण तेजा और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप मूवी साबित रही थी। यह मूवी बिल्कुल भी नहीं चली थी। अगर आपको इस मूवी को देखना है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा, जी अनमोल, जी एक्शन, इन सभी टेलीविज़न चैनल्स पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों, आप भी इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, यह मूवी के अंदर आपको शानदार ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ कई रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो जंजीर मूवी वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित रही थी, लेकिन आप इस मूवी को हिंदी में एक बार तो ज़रूर देख सकते हो जी सिनेमा। और दोस्तों, तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार रामचरण की मच अवेटेड मूवी जंजीर को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जंजीर मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 6 सितंबर 2013 को रिलीज हुई हिंदी और तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी जंजीर। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अपूर्वा लखिया ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो रामचरण, संजय दत्त, प्रियंका चोपड़ा, प्रकाश राज, माही गिल, अतुल कुलकर्णी, अंकुर भाटिया, कविता कौशिक, दयाशंकर, विक्रमजीत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर
10 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, amazon.in पर इस मूवी को 5 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। यह मूवी का म्यूजिक मीट ब्रोज और आनंद राज के द्वारा दिया गया है। यह मूवी दो भाषाओं में रिलीज की गई थी, हिंदी और तेलुगु में। यह मूवी की प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस, फ्लाइंग टर्टल फिल्म्स और रैम्पेज है। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी OTT प्लेटफॉर्म G5 पर। जी हाँ दोस्तों, G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जंजीर मूवी आपको पसंद आने वाली है। जंजीर मूवी की कहानी की बात करें तो दोस्तों, विजय रामचरण एक बहुत ही गुस्से वाला और स्ट्रिक्ट पुलिस वाला है। विजय के गुस्से की वजह से कई बार ट्रांसफ़र हो चुके हैं। आखिर उसका ट्रांसफ़र मुंबई में होता है, जहां पर तेजा प्रकाश राज का ऑयल माफिया का बिजनेस चलता है। विजय इस ऑयल माफिया को ख़त्म करने के लिए ठान लेता है। माला प्रियंका चोपड़ा एक NRI है, जो कि अपनी एक फेसबुक फ्रेंड की शादी अटेंड करने को न्यूयॉर्क से मुंबई आती है। उसी दौरान एक पेट्रोल पंप के पास हुए एक मर्डर को देख लेती है, तो पुलिस को फ़ोन करती है और मर्डर के बारे में बताती है। विजय पता लगाता है कि आखिर पुलिस को फ़ोन किसने किया था। माला का पता जानकर वो होटल में आकर माला से मिलता है और उसे मदद करने को कहता है। पहले माला मना कर देती है, लेकिन बाद में वो पुलिस के साथ मिलकर उस अपराधी को पकड़ने में मदद करती है। विजय माला को अपने घर पर ही रहने के लिए कहता है, क्योंकि गुंडे माला को मारने की कोशिश करते हैं। तेजा किसी तरह से चालाकी से विजय को सस्पेंड करा देता है और उसके बाद विजय पूरी तरह से तेजा को बर्बाद करने में जुट जाता है। आखिरकार विजय को यह भी पता चलता है कि बचपन में जिस इंसान ने उसके माता पिता को मारा था वो तेजा ही था, और तेजा को मार डालता है। विजय के घर पर रहते माला और विजय एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। विजय और माला के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके करीब आ जाती है। फिल्म में दोनों के बीच कई रोमांटिक सीक्वेंस शूट किए गए हैं। यह मूवी साल 2013 में आई द्विभाषिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन अपूर लाखिया ने किया है। यह फिल्म हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। यह फिल्म वर्ष 1973 में आई फिल्म जंजीर का रीमेक थी। फिल्म में तेलुगु एक्टर रामचरण, तेजा और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप मूवी साबित रही थी। यह मूवी बिल्कुल भी नहीं चली थी। अगर आपको इस मूवी को देखना है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा, जी अनमोल, जी एक्शन, इन सभी टेलीविज़न चैनल्स पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों आप भी इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों यह मूवी के अंदर आपको शानदार ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ कई रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो जंजीर मूवी वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित रही थी, लेकिन आप इस मूवी को हिंदी में एक बार तो ज़रूर देख सकते हो जी सिनेमा। और दोस्तों तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार रामचरण की मच अवेटेड मूवी जंजीर को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा।
आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जंजीर मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, तो 6 सितंबर 2013 को रिलीज हुई हिंदी और तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी जंजीर। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अपूर्वा लखिया ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो रामचरण, संजय दत्त, प्रियंका चोपड़ा, प्रकाश राज, माही गिल, अतुल कुलकर्णी, अंकुर भाटिया, कविता कौशिक, दयाशंकर, विक्रमजीत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, Amazon.in पर इस मूवी को 5 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। यह मूवी का म्यूजिक मीट ब्रोज और आनंद राज के द्वारा दिया गया है। यह मूवी 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, हिंदी और तेलुगु में। यह मूवी की प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस, फ्लाइंग टर्टल फिल्म्स और रैम्पेज है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी OTT प्लेटफॉर्म G5 पर। जी हाँ दोस्तों, G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जंजीर मूवी आपको पसंद आने वाली है। जंजीर मूवी की कहानी की बात करें तो दोस्तों, विजय रामचरण एक बहुत ही गुस्से वाला और स्ट्रिक्ट पुलिस वाला है। विजय के गुस्से की वजह से कई बार ट्रांसफ़र हो चुके हैं। आखिर उसका ट्रांसफ़र मुंबई में होता है, जहां पर तेजा प्रकाश राज का ऑयल माफिया का बिजनेस चलता है। विजय इस ऑयल माफिया को ख़त्म करने के लिए ठान लेता है। माला प्रियंका चोपड़ा एक NRI है, जो कि अपनी एक फेसबुक फ्रेंड की शादी अटेंड करने को न्यूयॉर्क से मुंबई आती है। उसी दौरान एक पेट्रोल पंप के पास हुए एक मर्डर को देख लेती है, तो पुलिस को फ़ोन करती है और मर्डर के बारे में बताती है। विजय पता लगाता है कि आखिर पुलिस को फ़ोन किसने किया था। माला का पता जानकर वो होटल में आकर माला से मिलता है और उसे मदद करने को कहता है। पहले माला मना कर देती है, लेकिन बाद में वो पुलिस के साथ मिलकर उस अपराधी को पकड़ने में मदद करती है। विजय माला को अपने घर पर ही रहने के लिए कहता है, क्योंकि गुंडे माला को मारने की कोशिश करते हैं। तेजा किसी तरह से चालाकी से विजय को सस्पेंड करा देता है और उसके बाद विजय पूरी तरह से तेजा को बर्बाद करने में जुट जाता है। आखिरकार विजय को यह भी पता चलता है कि बचपन में जिस इंसान ने उसके माता पिता को मारा था, वो तेजा ही था, और तेजा को मार डालता है। विजय के घर पर रहते माला और विजय एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। विजय और माला के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके करीब आ जाती है। फिल्म में दोनों के बीच कई रोमांटिक सीक्वेंस शूट किए गए हैं। यह मूवी साल 2013 में आई द्विभाषिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन अपूर लाखिया ने किया है। यह फिल्म हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। यह फिल्म वर्ष 1973 में आई फिल्म जंजीर का रीमेक थी। फिल्म में तेलुगु एक्टर रामचरण, तेजा और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित
रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप मूवी साबित रही थी। यह मूवी बिल्कुल भी नहीं चली थी। अगर आपको इस मूवी को देखना है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा, जी अनमोल, जी एक्शन, इन सभी टेलीविज़न चैनल्स पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों, आप भी इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, यह मूवी के अंदर आपको शानदार ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ कई रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो जंजीर मूवी वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित रही थी, लेकिन आप इस मूवी को हिंदी में एक बार तो ज़रूर देख सकते हो जी सिनेमा। और दोस्तों, तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार रामचरण की मच अवेटेड मूवी जंजीर को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जंजीर मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 6 सितंबर 2013 को रिलीज हुई हिंदी और तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी जंजीर। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अपूर्वा लखिया ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो रामचरण, संजय दत्त, प्रियंका चोपड़ा, प्रकाश राज, माही गिल, अतुल कुलकर्णी, अंकुर भाटिया, कविता कौशिक, दयाशंकर, विक्रमजीत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, Amazon.in पर इस मूवी को 5 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। यह मूवी का म्यूजिक मीट ब्रोज और आनंद राज के द्वारा दिया गया है। यह मूवी दो भाषाओं में रिलीज की गई थी, हिंदी और तेलुगु में। यह मूवी की प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस, फ्लाइंग टर्टल फिल्म्स और रैम्पेज है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी OTT प्लेटफॉर्म G5 पर। जी हाँ दोस्तों, G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जंजीर मूवी आपको पसंद आने वाली है। जंजीर मूवी की कहानी की बात करें तो दोस्तों, विजय रामचरण एक बहुत ही गुस्से वाला और स्ट्रिक्ट पुलिस वाला है। विजय के गुस्से की वजह से कई बार ट्रांसफ़र हो चुके हैं। आखिर उसका ट्रांसफ़र मुंबई में होता है, जहां पर तेजा प्रकाश राज का ऑयल माफिया का बिजनेस चलता है। विजय इस ऑयल माफिया को ख़त्म करने के लिए ठान लेता है। माला प्रियंका चोपड़ा एक NRI है, जो कि अपनी एक फेसबुक फ्रेंड की शादी अटेंड करने को न्यूयॉर्क से मुंबई आती है। उसी दौरान एक पेट्रोल पंप के पास हुए एक मर्डर को देख लेती है, तो पुलिस को फ़ोन करती है और मर्डर के बारे में
बताती है। विजय पता लगाता है कि आखिर पुलिस को फ़ोन किसने किया था। माला का पता जानकर वो होटल में आकर माला से मिलता है और उसे मदद करने को कहता है। पहले माला मना कर देती है, लेकिन बाद में वो पुलिस के साथ मिलकर उस अपराधी को पकड़ने में मदद करती है। विजय माला को अपने घर पर ही रहने के लिए कहता है, क्योंकि गुंडे माला को मारने की कोशिश करते हैं। तेजा किसी तरह से चालाकी से विजय को सस्पेंड करा देता है और उसके बाद विजय पूरी तरह से तेजा को बर्बाद करने में जुट जाता है। आखिरकार विजय को यह भी पता चलता है कि बचपन में जिस इंसान ने उसके माता पिता को मारा था वो तेजा ही था, और तेजा को मार डालता है। विजय के घर पर रहते माला और विजय एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। विजय और माला के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके करीब आ जाती है। फिल्म में दोनों के बीच कई रोमांटिक सीक्वेंस शूट किए गए हैं। यह मूवी साल 2013 में आई द्विभाषिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन अपूर लाखिया ने किया है। यह फिल्म हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। यह फिल्म वर्ष 1973 में आई फिल्म जंजीर का रीमेक थी। फिल्म में तेलुगु एक्टर रामचरण, तेजा और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप मूवी साबित रही थी। यह मूवी बिल्कुल भी नहीं चली थी। अगर आपको इस मूवी को देखना है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा, जी अनमोल, जी एक्शन, इन सभी टेलीविज़न चैनल्स पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों, आप भी इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, यह मूवी के अंदर आपको शानदार ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ कई रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो जंजीर मूवी वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित रही थी, लेकिन आप इस मूवी को हिंदी में एक बार तो ज़रूर देख सकते हो जी सिनेमा। और दोस्तों, तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार रामचरण की मच अवेटेड मूवी जंजीर को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जंजीर मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, तो 6 सितंबर 2013 को रिलीज हुई हिंदी और तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी जंजीर। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अपूर्वा लखिया ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो रामचरण, संजय दत्त, प्रियंका चोपड़ा, प्रकाश राज, माही गिल, अतुल कुलकर्णी, अंकुर भाटिया, कविता कौशिक, दयाशंकर, विक्रमजीत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, Amazon.in पर इस मूवी को 5 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। यह मूवी का म्यूजिक मीट ब्रोज और आनंद राज के द्वारा दिया गया है।
यह मूवी दो भाषाओं में रिलीज की गई थी, हिंदी और तेलुगु में। यह मूवी की प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस, फ्लाइंग टर्टल फिल्म्स और रैम्पेज है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी OTT प्लेटफॉर्म G5 पर। जी हाँ दोस्तों, G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जंजीर मूवी आपको पसंद आने वाली है। जंजीर मूवी की कहानी की बात करें तो दोस्तों, विजय रामचरण एक बहुत ही गुस्से वाला और स्ट्रिक्ट पुलिस वाला है। विजय के गुस्से की वजह से कई बार ट्रांसफ़र हो चुके हैं। आखिर उसका ट्रांसफ़र मुंबई में होता है, जहां पर तेजा प्रकाश राज का ऑयल माफिया का बिजनेस चलता है। विजय इस ऑयल माफिया को ख़त्म करने के लिए ठान लेता है। माला प्रियंका चोपड़ा एक NRI है, जो कि अपनी एक फेसबुक फ्रेंड की शादी अटेंड करने को न्यूयॉर्क से मुंबई आती है। उसी दौरान एक पेट्रोल पंप के पास हुए एक मर्डर को देख लेती है, तो पुलिस को फ़ोन करती है और मर्डर के बारे में बताती है। विजय पता लगाता है कि आखिर पुलिस को फ़ोन किसने किया था। माला का पता जानकर वो होटल में आकर माला से मिलता है और उसे मदद करने को कहता है। पहले माला मना कर देती है, लेकिन बाद में वो पुलिस के साथ मिलकर उस अपराधी को पकड़ने में मदद करती है। विजय माला को अपने घर पर ही रहने के लिए कहता है, क्योंकि गुंडे माला को मारने की कोशिश करते हैं। तेजा किसी तरह से चालाकी से विजय को सस्पेंड करा देता है और उसके बाद विजय पूरी तरह से तेजा को बर्बाद करने में जुट जाता है। आखिरकार विजय को यह भी पता चलता है कि बचपन में जिस इंसान ने उसके माता पिता को मारा था वो तेजा ही था, और तेजा को मार डालता है। विजय के घर पर रहते माला और विजय एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। विजय और माला के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके करीब आ जाती है। फिल्म में दोनों के बीच कई रोमांटिक सीक्वेंस शूट किए गए हैं। यह मूवी साल 2013 में आई द्विभाषिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन अपूर लाखिया ने किया है। यह फिल्म हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। यह फिल्म वर्ष 1973 में आई फिल्म जंजीर का रीमेक थी। फिल्म में तेलुगु एक्टर रामचरण, तेजा और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप मूवी साबित रही थी। यह मूवी बिल्कुल भी नहीं चली थी। अगर आपको इस मूवी को देखना है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा, जी अनमोल, जी एक्शन, इन सभी टेलीविज़न चैनल्स पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों, आप भी इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, यह मूवी के अंदर आपको शानदार ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ कई रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो जंजीर मूवी वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित रही थी, लेकिन आप इस मूवी को हिंदी में एक बार तो ज़रूर देख सकते हो जी सिनेमा। और दोस्तों, तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार रामचरण की मच अवेटेड मूवी जंजीर को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जंजीर मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों,
यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, तो 6 सितंबर 2013 को रिलीज हुई हिंदी और तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी जंजीर। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अपूर्वा लखिया ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो रामचरण, संजय दत्त, प्रियंका चोपड़ा, प्रकाश राज, माही गिल, अतुल कुलकर्णी, अंकुर भाटिया, कविता कौशिक, दयाशंकर, विक्रमजीत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, Amazon.in पर इस मूवी को 5 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। यह मूवी का म्यूजिक मीट ब्रोज और आनंद राज के द्वारा दिया गया है। यह मूवी दो भाषाओं में रिलीज की गई थी, हिंदी और तेलुगु में। यह मूवी की प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस, फ्लाइंग टर्टल फिल्म्स और रैम्पेज है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी OTT प्लेटफॉर्म G5 पर। जी हाँ दोस्तों, G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जंजीर मूवी आपको पसंद आने वाली है। जंजीर मूवी की कहानी की बात करें तो दोस्तों, विजय रामचरण एक बहुत ही गुस्से वाला और स्ट्रिक्ट पुलिस वाला है। विजय के गुस्से की वजह से कई बार ट्रांसफ़र हो चुके हैं। आखिर उसका ट्रांसफ़र मुंबई में होता है, जहां पर तेजा प्रकाश राज का ऑयल माफिया का बिजनेस चलता है। विजय इस ऑयल माफिया को ख़त्म करने के लिए ठान लेता है। माला प्रियंका चोपड़ा एक NRI है, जो कि अपनी एक फेसबुक फ्रेंड की शादी अटेंड करने को न्यूयॉर्क से मुंबई आती है। उसी दौरान एक पेट्रोल पंप के पास हुए एक मर्डर को देख लेती है, तो पुलिस को फ़ोन करती है और मर्डर के बारे में बताती है। विजय पता लगाता है कि आखिर पुलिस को फ़ोन किसने किया था। माला का पता जानकर वो होटल में आकर माला से मिलता है और उसे मदद करने को कहता है। पहले माला मना कर देती है, लेकिन बाद में वो पुलिस के साथ मिलकर उस अपराधी को पकड़ने में मदद करती है। विजय माला को अपने घर पर ही रहने के लिए कहता है, क्योंकि गुंडे माला को मारने की कोशिश करते हैं। तेजा किसी तरह से चालाकी से विजय को सस्पेंड करा देता है और उसके बाद विजय पूरी तरह से तेजा को बर्बाद करने में जुट जाता है। आखिरकार विजय को यह भी पता चलता है कि बचपन में जिस इंसान ने उसके माता पिता को मारा था, वो तेजा ही था, और तेजा को मार डालता है। विजय के घर पर रहते माला और विजय एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। विजय और माला के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके करीब आ जाती है। फिल्म में दोनों के बीच कई रोमांटिक सीक्वेंस शूट किए गए हैं। यह मूवी साल 2013 में आई द्विभाषिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन अपूर लाखिया ने किया है। यह फिल्म हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। यह फिल्म वर्ष 1973 में आई फिल्म जंजीर का रीमेक थी। फिल्म में तेलुगु एक्टर रामचरण, तेजा और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप मूवी साबित रही थी। यह मूवी बिल्कुल भी नहीं चली थी। अगर आपको इस मूवी को देखना है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर हिंदी भाषा में
देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन टेलीविजन के चैनल जी सिनेमा, जी अनमोल, जी एक्शन, इन सभी टेलीविजन चैनल्स पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों आप भी इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यह मूवी के अंदर आपको शानदार ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ कई रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो जंजीर मूवी वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित रही थी, लेकिन आप इस मूवी को हिंदी में एक बार तो ज़रूर देख सकते हो जी सिनेमा। और दोस्तों तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार रामचरण की मच अवेटेड मूवी जंजीर को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जंजीर मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 6 सितंबर 2013 को रिलीज हुई हिंदी और तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी जंजीर। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अपूर्वा लखिया ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो रामचरण, संजय दत्त, प्रियंका चोपड़ा, प्रकाश राज, माही गिल, अतुल कुलकर्णी, अंकुर भाटिया, कविता कौशिक, दयाशंकर, विक्रमजीत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, Amazon.in पर इस मूवी को 5 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। यह मूवी का म्यूजिक मीट ब्रोज और आनंद राज के द्वारा दिया गया है। यह मूवी दो भाषाओं में रिलीज की गई थी, हिंदी और तेलुगु में। यह मूवी की प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस, फ्लाइंग टर्टल फिल्म्स और रैम्पेज है। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी OTT प्लेटफॉर्म G5 पर। जी हाँ दोस्तों, G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जंजीर मूवी आपको पसंद आने वाली है। जंजीर मूवी की कहानी की बात करें तो दोस्तों विजय रामचरण एक बहुत ही गुस्से वाला और स्ट्रिक्ट पुलिस वाला है। विजय के गुस्से की वजह से कई बार ट्रांसफ़र हो चुके हैं। आखिर उसका ट्रांसफ़र मुंबई में होता है, जहां पर तेजा प्रकाश राज का ऑयल माफिया का बिजनेस चलता है। विजय इस ऑयल माफिया को ख़त्म करने के लिए ठान लेता है। माला प्रियंका चोपड़ा एक NRI है, जो कि अपनी एक फेसबुक फ्रेंड की शादी अटेंड करने को न्यूयॉर्क से मुंबई आती है। उसी दौरान एक पेट्रोल पंप के पास हुए एक मर्डर को देख लेती है, तो पुलिस को फ़ोन करती है और मर्डर के बारे में बताती है। विजय पता लगाता है कि आखिर पुलिस को फ़ोन किसने किया था। माला का पता जानकर वो होटल में आकर माला से मिलता है और उसे मदद करने को कहता है।
पहले माला मना कर देती है, लेकिन बाद में वो पुलिस के साथ मिलकर उस अपराधी को पकड़ने में मदद करती है। विजय माला को अपने घर पर ही रहने के लिए कहता है, क्योंकि गुंडे माला को मारने की कोशिश करते हैं। तेजा किसी तरह से चालाकी से विजय को सस्पेंड करा देता है और उसके बाद विजय पूरी तरह से तेजा को बर्बाद करने में जुट जाता है। आखिरकार विजय को यह भी पता चलता है कि बचपन में जिस इंसान ने उसके माता पिता को मारा था वो तेजा ही था, और तेजा को मार डालता है। विजय के घर पर रहते माला और विजय एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। विजय और माला के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके करीब आ जाती है। फिल्म में दोनों के बीच कई रोमांटिक सीक्वेंस शूट किए गए हैं। यह मूवी साल 2013 में आई द्विभाषिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन अपूर लाखिया ने किया है। यह फिल्म हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। यह फिल्म वर्ष 1973 में आई फिल्म जंजीर का रीमेक थी। फिल्म में तेलुगु एक्टर रामचरण, तेजा और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप मूवी साबित रही थी। यह मूवी बिल्कुल भी नहीं चली थी। अगर आपको इस मूवी को देखना है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा, जी अनमोल, जी एक्शन, इन सभी टेलीविज़न चैनल्स पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों, आप भी इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, यह मूवी के अंदर आपको शानदार ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ कई रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो जंजीर मूवी वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित रही थी, लेकिन आप इस मूवी को हिंदी में एक बार तो ज़रूर देख सकते हो जी सिनेमा। और दोस्तों, तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार रामचरण की मच अवेटेड मूवी जंजीर को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जंजीर मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 6 सितंबर 2013 को रिलीज हुई हिंदी और तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी जंजीर। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अपूर्वा लखिया ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो रामचरण, संजय दत्त, प्रियंका चोपड़ा, प्रकाश राज, माही गिल, अतुल कुलकर्णी, अंकुर भाटिया, कविता कौशिक, दयाशंकर, विक्रमजीत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, Amazon.in पर इस मूवी को 5 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। यह मूवी का म्यूजिक मीट ब्रोज और आनंद राज के द्वारा दिया गया है। यह मूवी दो भाषाओं में रिलीज की गई थी, हिंदी और तेलुगु में। यह मूवी की प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस, फ्लाइंग टर्टल फिल्म्स और रैम्पेज है।
दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी OTT प्लेटफॉर्म G5 पर। जी हाँ दोस्तों, G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जंजीर मूवी आपको पसंद आने वाली है। जंजीर मूवी की कहानी की बात करें तो दोस्तों, विजय रामचरण एक बहुत ही गुस्से वाला और स्ट्रिक्ट पुलिस वाला है। विजय के गुस्से की वजह से कई बार ट्रांसफ़र हो चुके हैं। आखिर उसका ट्रांसफ़र मुंबई में होता है, जहां पर तेजा प्रकाश राज का ऑयल माफिया का बिजनेस चलता है। विजय इस ऑयल माफिया को ख़त्म करने के लिए ठान लेता है। माला प्रियंका चोपड़ा एक NRI है, जो कि अपनी एक फेसबुक फ्रेंड की शादी अटेंड करने को न्यूयॉर्क से मुंबई आती है। उसी दौरान एक पेट्रोल पंप के पास हुए एक मर्डर को देख लेती है, तो पुलिस को फ़ोन करती है और मर्डर के बारे में बताती है। विजय पता लगाता है कि आखिर पुलिस को फ़ोन किसने किया था। माला का पता जानकर वो होटल में आकर माला से मिलता है और उसे मदद करने को कहता है। पहले माला मना कर देती है, लेकिन बाद में वो पुलिस के साथ मिलकर उस अपराधी को पकड़ने में मदद करती है। विजय माला को अपने घर पर ही रहने के लिए कहता है, क्योंकि गुंडे माला को मारने की कोशिश करते हैं। तेजा किसी तरह से चालाकी से विजय को सस्पेंड करा देता है और उसके बाद विजय पूरी तरह से तेजा को बर्बाद करने में जुट जाता है। आखिरकार विजय को यह भी पता चलता है कि बचपन में जिस इंसान ने उसके माता पिता को मारा था वो तेजा ही था, और तेजा को मार डालता है। विजय के घर पर रहते माला और विजय एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। विजय और माला के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके करीब आ जाती है। फिल्म में दोनों के बीच कई रोमांटिक सीक्वेंस शूट किए गए हैं। यह मूवी साल 2013 में आई द्विभाषिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन अपूर लाखिया ने किया है। यह फिल्म हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। यह फिल्म वर्ष 1973 में आई फिल्म जंजीर का रीमेक थी। फिल्म में तेलुगु एक्टर रामचरण, तेजा और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप मूवी साबित रही थी। यह मूवी बिल्कुल भी नहीं चली थी। अगर आपको इस मूवी को देखना है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा, जी अनमोल, जी एक्शन, इन सभी टेलीविज़न चैनल्स पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों आप भी इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों यह मूवी के अंदर आपको शानदार ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ कई रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो जंजीर मूवी वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित रही थी, लेकिन आप इस मूवी को हिंदी में एक बार तो ज़रूर देख सकते हो जी सिनेमा। और दोस्तों तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार रामचरण की मच अवेटेड मूवी जंजीर को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जंजीर मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा।
और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 6 सितंबर 2013 को रिलीज हुई हिंदी और तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी जंजीर। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अपूर्वा लखिया ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो रामचरण, संजय दत्त, प्रियंका चोपड़ा, प्रकाश राज, माही गिल, अतुल कुलकर्णी, अंकुर भाटिया, कविता कौशिक, दयाशंकर, विक्रमजीत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं Amazon.in पर इस मूवी को 5 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। यह मूवी का म्यूजिक मीट ब्रोज और आनंद राज के द्वारा दिया गया है। यह मूवी 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, हिंदी और तेलुगु में। यह मूवी की प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस, फ्लाइंग टर्टल फिल्म्स और रैम्पेज है। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी OTT प्लेटफॉर्म G5 पर। जी हाँ दोस्तों, G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ जंजीर मूवी आपको पसंद आने वाली है। जंजीर मूवी की कहानी की बात करें तो दोस्तों विजय रामचरण एक बहुत ही गुस्से वाला और स्ट्रिक्ट पुलिस वाला है। विजय के गुस्से की वजह से कई बार ट्रांसफ़र हो चुके हैं। आखिर उसका ट्रांसफ़र मुंबई में होता है जहां पर तेजा प्रकाश राज का ऑयल माफिया का बिजनेस चलता है। विजय इस ऑयल माफिया को ख़त्म करने के लिए ठान लेता है। माला प्रियंका चोपड़ा एक NRI है जो कि अपनी एक फेसबुक फ्रेंड की शादी अटेंड करने को न्यूयॉर्क से मुंबई आती है। उसी दौरान एक पेट्रोल पंप के पास हुए एक मर्डर को देख लेती है तो पुलिस को फ़ोन करती है और मर्डर के बारे में बताती है। विजय पता लगाता है कि आखिर पुलिस को फ़ोन किसने किया था। माला का पता जानकर वो होटल में आकर माला से मिलता है और उसे मदद करने को कहता है। पहले माला मना कर देती है लेकिन बाद में वो पुलिस के साथ मिलकर उस अपराधी को पकड़ने में मदद करती है। विजय माला को अपने घर पर ही रहने के लिए कहता है क्योंकि गुंडे माला को मारने की कोशिश करते हैं। तेजा किसी तरह से चालाकी से विजय को सस्पेंड करा देता है और उसके बाद विजय पूरी तरह से तेजा को बर्बाद करने में जुट जाता है। आखिरकार विजय को यह भी पता चलता है कि बचपन में जिस इंसान ने उसके माता पिता को मारा था वो तेजा ही था और तेजा को मार डालता है। विजय के घर पर रहते माला और विजय एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। विजय और माला के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके करीब आ जाती है। फिल्म में दोनों के बीच कई रोमांटिक सीक्वेंस शूट किए गए हैं। यह मूवी साल 2013 में आई द्विभाषिक एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन अपूर लाखिया ने किया है। यह फिल्म हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। यह फिल्म वर्ष 1973 में आई फिल्म जंजीर का रीमेक थी। फिल्म में तेलुगु एक्टर रामचरण, तेजा और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप मूवी साबित रही थी। यह मूवी बिल्कुल भी नहीं चली थी। अगर आपको इस मूवी को देखना है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा, जी अनमोल, जी एक्शन,
इन सभी टेलीविजन चैनल्स पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों आप भी इस मूवी को जरूर से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यह मूवी के अंदर आपको शानदार ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ कई रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो जंजीर मूवी वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित रही थी, लेकिन आप इस मूवी को हिंदी में एक बार तो ज़रूर देख सकते हो जी सिनेमा। और दोस्तों तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार रामचरण की मच अवेटेड मूवी जंजीर को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जंजीर मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 6 सितंबर 2013 को रिलीज हुई हिंदी और तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी जंजीर। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अपूर्वा लखिया ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो रामचरण, संजय दत्त, प्रियंका चोपड़ा, प्रकाश राज, माही गिल, अतुल कुलकर्णी, अंकुर भाटिया, कविता कौशिक, दयाशंकर, विक्रमजीत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, Amazon.in पर इस मूवी को 5 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। यह मूवी का म्यूजिक मीट ब्रोज और आनंद राज के द्वारा दिया गया है। यह मूवी दो भाषाओं में रिलीज की गई थी, हिंदी और तेलुगु में। यह मूवी की प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस, फ्लाइंग टर्टल फिल्म्स और रैम्पेज है। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी OTT प्लेटफॉर्म G5 पर। जी हाँ दोस्तों, G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जंजीर मूवी आपको पसंद आने वाली है। जंजीर मूवी की कहानी की बात करें तो दोस्तों विजय रामचरण एक बहुत ही गुस्से वाला और स्ट्रिक्ट पुलिस वाला है। विजय के गुस्से की वजह से कई बार ट्रांसफ़र हो चुके हैं। आखिर उसका ट्रांसफ़र मुंबई में होता है, जहां पर तेजा प्रकाश राज का ऑयल माफिया का बिजनेस चलता है। विजय इस ऑयल माफिया को ख़त्म करने के लिए ठान लेता है। माला प्रियंका चोपड़ा एक NRI है, जो कि अपनी एक फेसबुक फ्रेंड की शादी अटेंड करने को न्यूयॉर्क से मुंबई आती है। उसी दौरान एक पेट्रोल पंप के पास हुए एक मर्डर को देख लेती है, तो पुलिस को फ़ोन करती है और मर्डर के बारे में बताती है। विजय पता लगाता है कि आखिर पुलिस को फ़ोन किसने किया था। माला का पता जानकर वो होटल में आकर माला से मिलता है और उसे मदद करने को कहता है। पहले माला मना कर देती है, लेकिन बाद में वो पुलिस के साथ मिलकर उस अपराधी को पकड़ने में मदद करती है। विजय माला को अपने घर पर ही रहने के लिए कहता है, क्योंकि गुंडे माला को मारने की कोशिश करते हैं।
तेजा किसी तरह से चालाकी से विजय को सस्पेंड करा देता है और उसके बाद विजय पूरी तरह से तेजा को बर्बाद करने में जुट जाता है। आखिरकार विजय को यह भी पता चलता है कि बचपन में जिस इंसान ने उसके माता पिता को मारा था वो तेजा ही था और तेजा को मार डालता है। विजय के घर पर रहते माला और विजय एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। विजय और माला के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके करीब आ जाती है। फिल्म में दोनों के बीच कई रोमांटिक सीक्वेंस शूट किए गए हैं। यह मूवी साल 2013 में आई द्विभाषिक एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन अपूर लाखिया ने किया है। यह फिल्म हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। यह फिल्म वर्ष 1973 में आई फिल्म जंजीर का रीमेक थी। फिल्म में तेलुगु एक्टर रामचरण तेजा और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप मूवी साबित रही थी। यह मूवी बिल्कुल भी नहीं चली थी। अगर आपको इस मूवी को देखना है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा, जी अनमोल, जी एक्शन, इन सभी टेलीविज़न चैनल्स पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों, आप भी इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, यह मूवी के अंदर आपको शानदार ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ कई रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो जंजीर मूवी वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित रही थी, लेकिन आप इस मूवी को हिंदी में एक बार तो ज़रूर देख सकते हो जी सिनेमा। और दोस्तों, तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार रामचरण की मच अवेटेड मूवी जंजीर को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जंजीर मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 6 सितंबर 2013 को रिलीज हुई हिंदी और तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी जंजीर। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अपूर्वा लखिया ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो रामचरण, संजय दत्त, प्रियंका चोपड़ा, प्रकाश राज, माही गिल, अतुल कुलकर्णी, अंकुर भाटिया, कविता कौशिक, दयाशंकर, विक्रमजीत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, Amazon.in पर इस मूवी को 5 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। यह मूवी का म्यूजिक मीट ब्रोज और आनंद राज के द्वारा दिया गया है। यह मूवी दो भाषाओं में रिलीज की गई थी, हिंदी और तेलुगु में। यह मूवी की प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस, फ्लाइंग टर्टल फिल्म्स और रैम्पेज है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी OTT प्लेटफॉर्म G5 पर।
जी हाँ दोस्तों, G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जंजीर मूवी आपको पसंद आने वाली है। जंजीर मूवी की कहानी की बात करें तो दोस्तों, विजय रामचरण एक बहुत ही गुस्से वाला और स्ट्रिक्ट पुलिस वाला है। विजय के गुस्से की वजह से कई बार ट्रांसफ़र हो चुके हैं। आखिर उसका ट्रांसफ़र मुंबई में होता है, जहां पर तेजा प्रकाश राज का ऑयल माफिया का बिजनेस चलता है। विजय इस ऑयल माफिया को ख़त्म करने के लिए ठान लेता है। माला प्रियंका चोपड़ा एक NRI है, जो कि अपनी एक फेसबुक फ्रेंड की शादी अटेंड करने को न्यूयॉर्क से मुंबई आती है। उसी दौरान एक पेट्रोल पंप के पास हुए एक मर्डर को देख लेती है, तो पुलिस को फ़ोन करती है और मर्डर के बारे में बताती है। विजय पता लगाता है कि आखिर पुलिस को फ़ोन किसने किया था। माला का पता जानकर वो होटल में आकर माला से मिलता है और उसे मदद करने को कहता है। पहले माला मना कर देती है, लेकिन बाद में वो पुलिस के साथ मिलकर उस अपराधी को पकड़ने में मदद करती है। विजय माला को अपने घर पर ही रहने के लिए कहता है, क्योंकि गुंडे माला को मारने की कोशिश करते हैं। तेजा किसी तरह से चालाकी से विजय को सस्पेंड करा देता है और उसके बाद विजय पूरी तरह से तेजा को बर्बाद करने में जुट जाता है। आखिरकार विजय को यह भी पता चलता है कि बचपन में जिस इंसान ने उसके माता पिता को मारा था वो तेजा ही था, और तेजा को मार डालता है। विजय के घर पर रहते माला और विजय एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। विजय और माला के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके करीब आ जाती है। फिल्म में दोनों के बीच कई रोमांटिक सीक्वेंस शूट किए गए हैं। यह मूवी साल 2013 में आई द्विभाषिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन अपूर लाखिया ने किया है। यह फिल्म हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। यह फिल्म वर्ष 1973 में आई फिल्म जंजीर का रीमेक थी। फिल्म में तेलुगु एक्टर रामचरण, तेजा और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप मूवी साबित रही थी। यह मूवी बिल्कुल भी नहीं चली थी। अगर आपको इस मूवी को देखना है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा, जी अनमोल, जी एक्शन, इन सभी टेलीविज़न चैनल्स पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों, आप भी इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, यह मूवी के अंदर आपको शानदार ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ कई रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो जंजीर मूवी वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित रही थी, लेकिन आप इस मूवी को हिंदी में एक बार तो ज़रूर देख सकते हो जी सिनेमा। और दोस्तों, तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार रामचरण की मच अवेटेड मूवी जंजीर को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जंजीर मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है।
तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 6 सितंबर 2013 को रिलीज हुई। हिंदी और तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी जंजीर। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अपूर्वा लखिया ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो रामचरण, संजय दत्त, प्रियंका चोपड़ा, प्रकाश राज, माही गिल, अतुल कुलकर्णी, अंकुर भाटिया, कविता कौशिक, दयाशंकर, विक्रमजीत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, Amazon.in पर इस मूवी को 5 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। यह मूवी का म्यूजिक मीट ब्रोज और आनंद राज के द्वारा दिया गया है। यह मूवी दो भाषाओं में रिलीज की गई थी, हिंदी और तेलुगु में। यह मूवी की प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस, फ्लाइंग टर्टल फिल्म्स और रैम्पेज है। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी OTT प्लेटफॉर्म G5 पर। जी हाँ दोस्तों, G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जंजीर मूवी आपको पसंद आने वाली है। जंजीर मूवी की कहानी की बात करें तो दोस्तों, विजय रामचरण एक बहुत ही गुस्से वाला और स्ट्रिक्ट पुलिस वाला है। विजय के गुस्से की वजह से कई बार ट्रांसफ़र हो चुके हैं। आखिर उसका ट्रांसफ़र मुंबई में होता है, जहां पर तेजा प्रकाश राज का ऑयल माफिया का बिजनेस चलता है। विजय इस ऑयल माफिया को ख़त्म करने के लिए ठान लेता है। माला प्रियंका चोपड़ा एक NRI है, जो कि अपनी एक फेसबुक फ्रेंड की शादी अटेंड करने को न्यूयॉर्क से मुंबई आती है। उसी दौरान एक पेट्रोल पंप के पास हुए एक मर्डर को देख लेती है, तो पुलिस को फ़ोन करती है और मर्डर के बारे में बताती है। विजय पता लगाता है कि आखिर पुलिस को फ़ोन किसने किया था। माला का पता जानकर वो होटल में आकर माला से मिलता है और उसे मदद करने को कहता है। पहले माला मना कर देती है, लेकिन बाद में वो पुलिस के साथ मिलकर उस अपराधी को पकड़ने में मदद करती है। विजय माला को अपने घर पर ही रहने के लिए कहता है, क्योंकि गुंडे माला को मारने की कोशिश करते हैं। तेजा किसी तरह से चालाकी से विजय को सस्पेंड करा देता है और उसके बाद विजय पूरी तरह से तेजा को बर्बाद करने में जुट जाता है। आखिरकार विजय को यह भी पता चलता है कि बचपन में जिस इंसान ने उसके माता पिता को मारा था वो तेजा ही था, और तेजा को मार डालता है। विजय के घर पर रहते माला और विजय एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। विजय और माला के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके करीब आ जाती है। फिल्म में दोनों के बीच कई रोमांटिक सीक्वेंस शूट किए गए हैं। यह मूवी साल 2013 में आई द्विभाषिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन अपूर लाखिया ने किया है। यह फिल्म हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। यह फिल्म वर्ष 1973 में आई फिल्म जंजीर का रिमेक थी। फिल्म में तेलुगु एक्टर रामचरण, तेजा और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप मूवी साबित रही थी। यह मूवी बिल्कुल भी नहीं चली थी। अगर आपको इस मूवी को देखना है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा, जी अनमोल, जी एक्शन, इन सभी टेलीविज़न चैनल्स पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों आप भी इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा।
दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यह मूवी के अंदर आपको शानदार ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ कई रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो जंजीर मूवी वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित रही थी, लेकिन आप इस मूवी को हिंदी में एक बार तो ज़रूर देख सकते हो जी सिनेमा। और दोस्तों तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार रामचरण की मच अवेटेड मूवी जंजीर को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जंजीर मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 6 सितंबर 2013 को रिलीज हुई हिंदी और तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी जंजीर। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अपूर्वा लखिया ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो रामचरण, संजय दत्त, प्रियंका चोपड़ा, प्रकाश राज, माही गिल, अतुल कुलकर्णी, अंकुर भाटिया, कविता कौशिक, दयाशंकर, विक्रमजीत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, Amazon.in पर इस मूवी को 5 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। यह मूवी का म्यूजिक मीट ब्रोज और आनंद राज के द्वारा दिया गया है। यह मूवी दो भाषाओं में रिलीज की गई थी, हिंदी और तेलुगु में। यह मूवी की प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस, फ्लाइंग टर्टल फिल्म्स और रैम्पेज है। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी OTT प्लेटफॉर्म G5 पर। जी हाँ दोस्तों, G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जंजीर मूवी आपको पसंद आने वाली है। जंजीर मूवी की कहानी की बात करें तो दोस्तों विजय रामचरण एक बहुत ही गुस्से वाला और स्ट्रिक्ट पुलिस वाला है। विजय के गुस्से की वजह से कई बार ट्रांसफ़र हो चुके हैं। आखिर उसका ट्रांसफ़र मुंबई में होता है, जहां पर तेजा प्रकाश राज का ऑयल माफिया का बिजनेस चलता है। विजय इस ऑयल माफिया को ख़त्म करने के लिए ठान लेता है। माला प्रियंका चोपड़ा एक NRI है, जो कि अपनी एक फेसबुक फ्रेंड की शादी अटेंड करने को न्यूयॉर्क से मुंबई आती है। उसी दौरान एक पेट्रोल पंप के पास हुए एक मर्डर को देख लेती है, तो पुलिस को फ़ोन करती है और मर्डर के बारे में बताती है। विजय पता लगाता है कि आखिर पुलिस को फ़ोन किसने किया था। माला का पता जानकर वो होटल में आकर माला से मिलता है और उसे मदद करने को कहता है। पहले माला मना कर देती है, लेकिन बाद में वो पुलिस के साथ मिलकर उस अपराधी को पकड़ने में मदद करती है। विजय माला को अपने घर पर ही रहने के लिए कहता है, क्योंकि गुंडे माला को मारने की कोशिश करते हैं। तेजा किसी तरह से चालाकी से विजय को सस्पेंड करा देता है और उसके बाद विजय पूरी तरह से तेजा को बर्बाद करने में जुट जाता है। आखिरकार विजय को यह भी पता चलता है कि बचपन में जिस इंसान ने उसके माता पिता को मारा था वो तेजा ही था।
और तेजा को मार डालता है। विजय के घर पर रहते माला और विजय एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। विजय और माला के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके करीब आ जाती है। फिल्म में दोनों के बीच कई रोमांटिक सीक्वेंस शूट किए गए हैं। यह मूवी साल 2013 में आई द्विभाषिक एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन अपूर लाखिया ने किया है। यह फिल्म हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। यह फिल्म वर्ष 1973 में आई फिल्म जंजीर का रीमेक थी। फिल्म में तेलुगु एक्टर रामचरण तेजा और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप मूवी साबित रही थी। यह मूवी बिल्कुल भी नहीं चली थी। अगर आपको इस मूवी को देखना है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा, जी अनमोल, जी एक्शन, इन सभी टेलीविज़न चैनल्स पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों, आप भी इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, यह मूवी के अंदर आपको शानदार ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ कई रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो जंजीर मूवी वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित रही थी, लेकिन आप इस मूवी को हिंदी में एक बार तो ज़रूर देख सकते हो जी सिनेमा। और दोस्तों, तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार रामचरण की मच अवेटेड मूवी जंजीर को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जंजीर मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 6 सितंबर 2013 को रिलीज हुई हिंदी और तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी जंजीर। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अपूर्वा लखिया ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो रामचरण, संजय दत्त, प्रियंका चोपड़ा, प्रकाश राज, माही गिल, अतुल कुलकर्णी, अंकुर भाटिया, कविता कौशिक, दयाशंकर, विक्रमजीत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, Amazon.in पर इस मूवी को 5 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। यह मूवी का म्यूजिक मीट ब्रोज और आनंद राज के द्वारा दिया गया है। यह मूवी दो भाषाओं में रिलीज की गई थी, हिंदी और तेलुगु में। यह मूवी की प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस, फ्लाइंग टर्टल फिल्म्स और रैम्पेज है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी OTT प्लेटफॉर्म G5 पर। जी हाँ दोस्तों, G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जंजीर मूवी आपको पसंद आने वाली है। जंजीर मूवी की कहानी की बात करें तो दोस्तों, विजय
रामचरण एक बहुत ही गुस्से वाला और स्ट्रिक्ट पुलिस वाला है। विजय के गुस्से की वजह से कई बार ट्रांसफ़र हो चुके हैं। आखिर उसका ट्रांसफ़र मुंबई में होता है, जहां पर तेजा प्रकाश राज का ऑयल माफिया का बिजनेस चलता है। विजय इस ऑयल माफिया को ख़त्म करने के लिए ठान लेता है। माला प्रियंका चोपड़ा एक NRI है, जो कि अपनी एक फेसबुक फ्रेंड की शादी अटेंड करने को न्यूयॉर्क से मुंबई आती है। उसी दौरान एक पेट्रोल पंप के पास हुए एक मर्डर को देख लेती है, तो पुलिस को फ़ोन करती है और मर्डर के बारे में बताती है। विजय पता लगाता है कि आखिर पुलिस को फ़ोन किसने किया था। माला का पता जानकर वो होटल में आकर माला से मिलता है और उसे मदद करने को कहता है। पहले माला मना कर देती है, लेकिन बाद में वो पुलिस के साथ मिलकर उस अपराधी को पकड़ने में मदद करती है। विजय माला को अपने घर पर ही रहने के लिए कहता है, क्योंकि गुंडे माला को मारने की कोशिश करते हैं। तेजा किसी तरह से चालाकी से विजय को सस्पेंड करा देता है और उसके बाद विजय पूरी तरह से तेजा को बर्बाद करने में जुट जाता है। आखिरकार विजय को यह भी पता चलता है कि बचपन में जिस इंसान ने उसके माता पिता को मारा था वो तेजा ही था, और तेजा को मार डालता है। विजय के घर पर रहते माला और विजय एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। विजय और माला के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके करीब आ जाती है। फिल्म में दोनों के बीच कई रोमांटिक सीक्वेंस शूट किए गए हैं। यह मूवी साल 2013 में आई द्विभाषिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन अपूर लाखिया ने किया है। यह फिल्म हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। यह फिल्म वर्ष 1973 में आई फिल्म जंजीर का रीमेक थी। फिल्म में तेलुगु एक्टर रामचरण, तेजा और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप मूवी साबित रही थी। यह मूवी बिल्कुल भी नहीं चली थी। अगर आपको इस मूवी को देखना है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा, जी अनमोल, जी एक्शन, इन सभी टेलीविज़न चैनल्स पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों, आप भी इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, यह मूवी के अंदर आपको शानदार ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ कई रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो जंजीर मूवी वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित रही थी, लेकिन आप इस मूवी को हिंदी में एक बार तो ज़रूर देख सकते हो जी सिनेमा। और दोस्तों, तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार रामचरण की मच अवेटेड मूवी जंजीर को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जंजीर मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, तो 6 सितंबर 2013 को रिलीज हुई हिंदी और तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी जंजीर। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अपूर्वा लखिया ने,
बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो रामचरण, संजय दत्त, प्रियंका चोपड़ा, प्रकाश राज, माही गिल, अतुल कुलकर्णी, अंकुर भाटिया, कविता कौशिक, दयाशंकर, विक्रमजीत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, Amazon.in पर इस मूवी को 5 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। यह मूवी का म्यूजिक मीट ब्रोज और आनंद राज के द्वारा दिया गया है। यह मूवी दो भाषाओं में रिलीज की गई थी, हिंदी और तेलुगु में। यह मूवी की प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस, फ्लाइंग टर्टल फिल्म्स और रैम्पेज है। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी OTT प्लेटफॉर्म G5 पर। जी हाँ दोस्तों, G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जंजीर मूवी आपको पसंद आने वाली है। जंजीर मूवी की कहानी की बात करें तो दोस्तों, विजय रामचरण एक बहुत ही गुस्से वाला और स्ट्रिक्ट पुलिस वाला है। विजय के गुस्से की वजह से कई बार ट्रांसफ़र हो चुके हैं। आखिर उसका ट्रांसफ़र मुंबई में होता है, जहां पर तेजा प्रकाश राज का ऑयल माफिया का बिजनेस चलता है। विजय इस ऑयल माफिया को ख़त्म करने के लिए ठान लेता है। माला प्रियंका चोपड़ा एक NRI है, जो कि अपनी एक फेसबुक फ्रेंड की शादी अटेंड करने को न्यूयॉर्क से मुंबई आती है। उसी दौरान एक पेट्रोल पंप के पास हुए एक मर्डर को देख लेती है, तो पुलिस को फ़ोन करती है और मर्डर के बारे में बताती है। विजय पता लगाता है कि आखिर पुलिस को फ़ोन किसने किया था। माला का पता जानकर वो होटल में आकर माला से मिलता है और उसे मदद करने को कहता है। पहले माला मना कर देती है, लेकिन बाद में वो पुलिस के साथ मिलकर उस अपराधी को पकड़ने में मदद करती है। विजय माला को अपने घर पर ही रहने के लिए कहता है, क्योंकि गुंडे माला को मारने की कोशिश करते हैं। तेजा किसी तरह से चालाकी से विजय को सस्पेंड करा देता है और उसके बाद विजय पूरी तरह से तेजा को बर्बाद करने में जुट जाता है। आखिरकार विजय को यह भी पता चलता है कि बचपन में जिस इंसान ने उसके माता पिता को मारा था वो तेजा ही था, और तेजा को मार डालता है। विजय के घर पर रहते माला और विजय एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। विजय और माला के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके करीब आ जाती है। फिल्म में दोनों के बीच कई रोमांटिक सीक्वेंस शूट किए गए हैं। यह मूवी साल 2013 में आई द्विभाषिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन अपूर लाखिया ने किया है। यह फिल्म हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। यह फिल्म वर्ष 1973 में आई फिल्म जंजीर का रीमेक थी। फिल्म में तेलुगु एक्टर रामचरण, तेजा और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप मूवी साबित रही थी। यह मूवी बिल्कुल भी नहीं चली थी। अगर आपको इस मूवी को देखना है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा, जी अनमोल, जी एक्शन, इन सभी टेलीविज़न चैनल्स पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों आप भी इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों यह मूवी के अंदर आपको शानदार ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ कई रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो जंजीर मूवी वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित रही थी,
लेकिन आप इस मूवी को हिंदी में एक बार तो जरूर देख सकते हो जी सिनेमा। और दोस्तों, तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार रामचरण की मच अवेटेड मूवी जंजीर को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जंजीर मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 6 सितंबर 2013 को रिलीज हुई हिंदी और तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी जंजीर। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अपूर्वा लखिया ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो रामचरण, संजय दत्त, प्रियंका चोपड़ा, प्रकाश राज, माही गिल, अतुल कुलकर्णी, अंकुर भाटिया, कविता कौशिक, दयाशंकर, विक्रमजीत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, Amazon.in पर इस मूवी को 5 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। यह मूवी का म्यूजिक मीट ब्रोज और आनंद राज के द्वारा दिया गया है। यह मूवी दो भाषाओं में रिलीज की गई थी, हिंदी और तेलुगु में। यह मूवी की प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस, फ्लाइंग टर्टल फिल्म्स और रैम्पेज है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी OTT प्लेटफॉर्म G5 पर। जी हाँ दोस्तों, G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जंजीर मूवी आपको पसंद आने वाली है। जंजीर मूवी की कहानी की बात करें तो दोस्तों, विजय रामचरण एक बहुत ही गुस्से वाला और स्ट्रिक्ट पुलिस वाला है। विजय के गुस्से की वजह से कई बार ट्रांसफ़र हो चुके हैं। आखिर उसका ट्रांसफ़र मुंबई में होता है, जहां पर तेजा प्रकाश राज का ऑयल माफिया का बिजनेस चलता है। विजय इस ऑयल माफिया को ख़त्म करने के लिए ठान लेता है। माला प्रियंका चोपड़ा एक NRI है, जो कि अपनी एक फेसबुक फ्रेंड की शादी अटेंड करने को न्यूयॉर्क से मुंबई आती है। उसी दौरान एक पेट्रोल पंप के पास हुए एक मर्डर को देख लेती है, तो पुलिस को फ़ोन करती है और मर्डर के बारे में बताती है। विजय पता लगाता है कि आखिर पुलिस को फ़ोन किसने किया था। माला का पता जानकर वो होटल में आकर माला से मिलता है और उसे मदद करने को कहता है। पहले माला मना कर देती है, लेकिन बाद में वो पुलिस के साथ मिलकर उस अपराधी को पकड़ने में मदद करती है। विजय माला को अपने घर पर ही रहने के लिए कहता है, क्योंकि गुंडे माला को मारने की कोशिश करते हैं। तेजा किसी तरह से चालाकी से विजय को सस्पेंड करा देता है और उसके बाद विजय पूरी तरह से तेजा को बर्बाद करने में जुट जाता है। आखिरकार विजय को यह भी पता चलता है कि बचपन में जिस इंसान ने उसके माता पिता को मारा था वो तेजा ही था, और तेजा को मार डालता है। विजय के घर पर रहते माला और विजय एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। विजय और माला के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके करीब आ जाती है। फिल्म में दोनों के बीच कई रोमांटिक सीक्वेंस शूट किए गए हैं। यह मूवी साल 2013 में आई द्विभाषिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन अपूर लाखिया ने
किया है। यह फिल्म हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। यह फिल्म वर्ष 1973 में आई फिल्म जंजीर का रीमेक थी। फिल्म में तेलुगु एक्टर रामचरण तेजा और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप मूवी साबित रही थी। यह मूवी बिल्कुल भी नहीं चली थी। अगर आपको इस मूवी को देखना है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा, जी अनमोल, जी एक्शन, इन सभी टेलीविज़न चैनल्स पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों, आप भी इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, यह मूवी के अंदर आपको शानदार ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ कई रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो जंजीर मूवी वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित रही थी, लेकिन आप इस मूवी को हिंदी में एक बार तो ज़रूर देख सकते हो जी सिनेमा। और दोस्तों, तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार रामचरण की मच अवेटेड मूवी जंजीर को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जंजीर मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 6 सितंबर 2013 को रिलीज हुई हिंदी और तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी जंजीर। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अपूर्वा लखिया ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो रामचरण, संजय दत्त, प्रियंका चोपड़ा, प्रकाश राज, माही गिल, अतुल कुलकर्णी, अंकुर भाटिया, कविता कौशिक, दयाशंकर, विक्रमजीत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, Amazon.in पर इस मूवी को 5 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। यह मूवी का म्यूजिक मीट ब्रोज और आनंद राज के द्वारा दिया गया है। यह मूवी दो भाषाओं में रिलीज की गई थी, हिंदी और तेलुगु में। यह मूवी की प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस, फ्लाइंग टर्टल फिल्म्स और रैम्पेज है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी OTT प्लेटफॉर्म G5 पर। जी हाँ दोस्तों, G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जंजीर मूवी आपको पसंद आने वाली है। जंजीर मूवी की कहानी की बात करें तो दोस्तों, विजय रामचरण एक बहुत ही गुस्से वाला और स्ट्रिक्ट पुलिस वाला है। विजय के गुस्से की वजह से कई बार ट्रांसफ़र हो चुके हैं। आखिर उसका ट्रांसफ़र मुंबई में होता है, जहां पर तेजा प्रकाश राज का ऑयल माफिया का बिजनेस चलता है। विजय इस ऑयल माफिया को ख़त्म करने के लिए ठान लेता है।
माला प्रियंका चोपड़ा एक NRI है जो कि अपनी एक फेसबुक फ्रेंड की शादी अटेंड करने को न्यूयॉर्क से मुंबई आती है। उसी दौरान एक पेट्रोल पंप के पास हुए एक मर्डर को देख लेती है तो पुलिस को फ़ोन करती है और मर्डर के बारे में बताती है। विजय पता लगाता है कि आखिर पुलिस को फ़ोन किसने किया था। माला का पता जानकर वो होटल में आकर माला से मिलता है और उसे मदद करने को कहता है। पहले माला मना कर देती है लेकिन बाद में वो पुलिस के साथ मिलकर उस अपराधी को पकड़ने में मदद करती है। विजय माला को अपने घर पर ही रहने के लिए कहता है क्योंकि गुंडे माला को मारने की कोशिश करते हैं। तेजा किसी तरह से चालाकी से विजय को सस्पेंड करा देता है और उसके बाद विजय पूरी तरह से तेजा को बर्बाद करने में जुट जाता है। आखिरकार विजय को यह भी पता चलता है कि बचपन में जिस इंसान ने उसके माता पिता को मारा था वो तेजा ही था और तेजा को मार डालता है। विजय के घर पर रहते माला और विजय एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। विजय और माला के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके करीब आ जाती है। फिल्म में दोनों के बीच कई रोमांटिक सीक्वेंस शूट किए गए हैं। यह मूवी साल 2013 में आई द्विभाषिक एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन अपूर लाखिया ने किया है। यह फिल्म हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। यह फिल्म वर्ष 1973 में आई फिल्म जंजीर का रीमेक थी। फिल्म में तेलुगु एक्टर रामचरण तेजा और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप मूवी साबित रही थी। यह मूवी बिल्कुल भी नहीं चली थी। अगर आपको इस मूवी को देखना है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा, जी अनमोल, जी एक्शन, इन सभी टेलीविज़न चैनल्स पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों, आप भी इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, यह मूवी के अंदर आपको शानदार ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ कई रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो जंजीर मूवी वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित रही थी, लेकिन आप इस मूवी को हिंदी में एक बार तो ज़रूर देख सकते हो जी सिनेमा। और दोस्तों, तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार रामचरण की मच अवेटेड मूवी जंजीर को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जंजीर मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 6 सितंबर 2013 को रिलीज हुई हिंदी और तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी जंजीर। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अपूर्वा लखिया ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो रामचरण, संजय दत्त, प्रियंका चोपड़ा, प्रकाश राज, माही गिल, अतुल कुलकर्णी, अंकुर भाटिया, कविता कौशिक, दयाशंकर, विक्रमजीत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर
10 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, amazon.in पर इस मूवी को 5 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। यह मूवी का म्यूजिक मीट ब्रोज और आनंद राज के द्वारा दिया गया है। यह मूवी दो भाषाओं में रिलीज की गई थी, हिंदी और तेलुगु में। यह मूवी की प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस, फ्लाइंग टर्टल फिल्म्स और रैम्पेज है। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी OTT प्लेटफॉर्म G5 पर। जी हाँ दोस्तों, G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जंजीर मूवी आपको पसंद आने वाली है। जंजीर मूवी की कहानी की बात करें तो दोस्तों, विजय रामचरण एक बहुत ही गुस्से वाला और स्ट्रिक्ट पुलिस वाला है। विजय के गुस्से की वजह से कई बार ट्रांसफ़र हो चुके हैं। आखिर उसका ट्रांसफ़र मुंबई में होता है, जहां पर तेजा प्रकाश राज का ऑयल माफिया का बिजनेस चलता है। विजय इस ऑयल माफिया को ख़त्म करने के लिए ठान लेता है। माला प्रियंका चोपड़ा एक NRI है, जो कि अपनी एक फेसबुक फ्रेंड की शादी अटेंड करने को न्यूयॉर्क से मुंबई आती है। उसी दौरान एक पेट्रोल पंप के पास हुए एक मर्डर को देख लेती है, तो पुलिस को फ़ोन करती है और मर्डर के बारे में बताती है। विजय पता लगाता है कि आखिर पुलिस को फ़ोन किसने किया था। माला का पता जानकर वो होटल में आकर माला से मिलता है और उसे मदद करने को कहता है। पहले माला मना कर देती है, लेकिन बाद में वो पुलिस के साथ मिलकर उस अपराधी को पकड़ने में मदद करती है। विजय माला को अपने घर पर ही रहने के लिए कहता है, क्योंकि गुंडे माला को मारने की कोशिश करते हैं। तेजा किसी तरह से चालाकी से विजय को सस्पेंड करा देता है और उसके बाद विजय पूरी तरह से तेजा को बर्बाद करने में जुट जाता है। आखिरकार विजय को यह भी पता चलता है कि बचपन में जिस इंसान ने उसके माता पिता को मारा था वो तेजा ही था, और तेजा को मार डालता है। विजय के घर पर रहते माला और विजय एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। विजय और माला के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके करीब आ जाती है। फिल्म में दोनों के बीच कई रोमांटिक सीक्वेंस शूट किए गए हैं। यह मूवी साल 2013 में आई द्विभाषिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन अपूर लाखिया ने किया है। यह फिल्म हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। यह फिल्म वर्ष 1973 में आई फिल्म जंजीर का रीमेक थी। फिल्म में तेलुगु एक्टर रामचरण, तेजा और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप मूवी साबित रही थी। यह मूवी बिल्कुल भी नहीं चली थी। अगर आपको इस मूवी को देखना है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा, जी अनमोल, जी एक्शन, इन सभी टेलीविज़न चैनल्स पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों आप भी इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों यह मूवी के अंदर आपको शानदार ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ कई रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो जंजीर मूवी वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित रही थी, लेकिन आप इस मूवी को हिंदी में एक बार तो ज़रूर देख सकते हो जी सिनेमा। और दोस्तों तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार रामचरण की मच अवेटेड मूवी जंजीर को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा।
आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जंजीर मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, तो 6 सितंबर 2013 को रिलीज हुई हिंदी और तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी जंजीर। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अपूर्वा लखिया ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो रामचरण, संजय दत्त, प्रियंका चोपड़ा, प्रकाश राज, माही गिल, अतुल कुलकर्णी, अंकुर भाटिया, कविता कौशिक, दयाशंकर, विक्रमजीत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, Amazon.in पर इस मूवी को 5 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। यह मूवी का म्यूजिक मीट ब्रोज और आनंद राज के द्वारा दिया गया है। यह मूवी दो भाषाओं में रिलीज की गई थी, हिंदी और तेलुगु में। यह मूवी की प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस, फ्लाइंग टर्टल फिल्म्स और रैम्पेज है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी OTT प्लेटफॉर्म G5 पर। जी हाँ दोस्तों, G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जंजीर मूवी आपको पसंद आने वाली है। जंजीर मूवी की कहानी की बात करें तो दोस्तों, विजय रामचरण एक बहुत ही गुस्से वाला और स्ट्रिक्ट पुलिस वाला है। विजय के गुस्से की वजह से कई बार ट्रांसफ़र हो चुके हैं। आखिर उसका ट्रांसफ़र मुंबई में होता है, जहां पर तेजा प्रकाश राज का ऑयल माफिया का बिजनेस चलता है। विजय इस ऑयल माफिया को ख़त्म करने के लिए ठान लेता है। माला प्रियंका चोपड़ा एक NRI है, जो कि अपनी एक फेसबुक फ्रेंड की शादी अटेंड करने को न्यूयॉर्क से मुंबई आती है। उसी दौरान एक पेट्रोल पंप के पास हुए एक मर्डर को देख लेती है, तो पुलिस को फ़ोन करती है और मर्डर के बारे में बताती है। विजय पता लगाता है कि आखिर पुलिस को फ़ोन किसने किया था। माला का पता जानकर वो होटल में आकर माला से मिलता है और उसे मदद करने को कहता है। पहले माला मना कर देती है, लेकिन बाद में वो पुलिस के साथ मिलकर उस अपराधी को पकड़ने में मदद करती है। विजय माला को अपने घर पर ही रहने के लिए कहता है, क्योंकि गुंडे माला को मारने की कोशिश करते हैं। तेजा किसी तरह से चालाकी से विजय को सस्पेंड करा देता है और उसके बाद विजय पूरी तरह से तेजा को बर्बाद करने में जुट जाता है। आखिरकार विजय को यह भी पता चलता है कि बचपन में जिस इंसान ने उसके माता पिता को मारा था, वो तेजा ही था, और तेजा को मार डालता है। विजय के घर पर रहते माला और विजय एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। विजय और माला के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके करीब आ जाती है। फिल्म में दोनों के बीच कई रोमांटिक सीक्वेंस शूट किए गए हैं। यह मूवी साल 2013 में आई द्विभाषिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन अपूर लाखिया ने किया है। यह फिल्म हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। यह फिल्म वर्ष 1973 में आई फिल्म जंजीर का रीमेक थी। फिल्म में तेलुगु एक्टर रामचरण, तेजा और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित
रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप मूवी साबित रही थी। यह मूवी बिल्कुल भी नहीं चली थी। अगर आपको इस मूवी को देखना है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा, जी अनमोल, जी एक्शन, इन सभी टेलीविज़न चैनल्स पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों, आप भी इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, यह मूवी के अंदर आपको शानदार ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ कई रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो जंजीर मूवी वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित रही थी, लेकिन आप इस मूवी को हिंदी में एक बार तो ज़रूर देख सकते हो जी सिनेमा। और दोस्तों, तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार रामचरण की मच अवेटेड मूवी जंजीर को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जंजीर मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 6 सितंबर 2013 को रिलीज हुई हिंदी और तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी जंजीर। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अपूर्वा लखिया ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो रामचरण, संजय दत्त, प्रियंका चोपड़ा, प्रकाश राज, माही गिल, अतुल कुलकर्णी, अंकुर भाटिया, कविता कौशिक, दयाशंकर, विक्रमजीत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, Amazon.in पर इस मूवी को 5 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। यह मूवी का म्यूजिक मीट ब्रोज और आनंद राज के द्वारा दिया गया है। यह मूवी दो भाषाओं में रिलीज की गई थी, हिंदी और तेलुगु में। यह मूवी की प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस, फ्लाइंग टर्टल फिल्म्स और रैम्पेज है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी OTT प्लेटफॉर्म G5 पर। जी हाँ दोस्तों, G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जंजीर मूवी आपको पसंद आने वाली है। जंजीर मूवी की कहानी की बात करें तो दोस्तों, विजय रामचरण एक बहुत ही गुस्से वाला और स्ट्रिक्ट पुलिस वाला है। विजय के गुस्से की वजह से कई बार ट्रांसफ़र हो चुके हैं। आखिर उसका ट्रांसफ़र मुंबई में होता है, जहां पर तेजा प्रकाश राज का ऑयल माफिया का बिजनेस चलता है। विजय इस ऑयल माफिया को ख़त्म करने के लिए ठान लेता है। माला प्रियंका चोपड़ा एक NRI है, जो कि अपनी एक फेसबुक फ्रेंड की शादी अटेंड करने को न्यूयॉर्क से मुंबई आती है। उसी दौरान एक पेट्रोल पंप के पास हुए एक मर्डर को देख लेती है, तो पुलिस को फ़ोन करती है और मर्डर के बारे में
बताती है। विजय पता लगाता है कि आखिर पुलिस को फ़ोन किसने किया था। माला का पता जानकर वो होटल में आकर माला से मिलता है और उसे मदद करने को कहता है। पहले माला मना कर देती है, लेकिन बाद में वो पुलिस के साथ मिलकर उस अपराधी को पकड़ने में मदद करती है। विजय माला को अपने घर पर ही रहने के लिए कहता है, क्योंकि गुंडे माला को मारने की कोशिश करते हैं। तेजा किसी तरह से चालाकी से विजय को सस्पेंड करा देता है और उसके बाद विजय पूरी तरह से तेजा को बर्बाद करने में जुट जाता है। आखिरकार विजय को यह भी पता चलता है कि बचपन में जिस इंसान ने उसके माता पिता को मारा था वो तेजा ही था, और तेजा को मार डालता है। विजय के घर पर रहते माला और विजय एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। विजय और माला के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके करीब आ जाती है। फिल्म में दोनों के बीच कई रोमांटिक सीक्वेंस शूट किए गए हैं। यह मूवी साल 2013 में आई द्विभाषिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन अपूर लाखिया ने किया है। यह फिल्म हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। यह फिल्म वर्ष 1973 में आई फिल्म जंजीर का रीमेक थी। फिल्म में तेलुगु एक्टर रामचरण, तेजा और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप मूवी साबित रही थी। यह मूवी बिल्कुल भी नहीं चली थी। अगर आपको इस मूवी को देखना है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा, जी अनमोल, जी एक्शन, इन सभी टेलीविज़न चैनल्स पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों, आप भी इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, यह मूवी के अंदर आपको शानदार ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ कई रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो जंजीर मूवी वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित रही थी, लेकिन आप इस मूवी को हिंदी में एक बार तो ज़रूर देख सकते हो जी सिनेमा। और दोस्तों, तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार रामचरण की मच अवेटेड मूवी जंजीर को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जंजीर मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, तो 6 सितंबर 2013 को रिलीज हुई हिंदी और तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी जंजीर। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अपूर्वा लखिया ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो रामचरण, संजय दत्त, प्रियंका चोपड़ा, प्रकाश राज, माही गिल, अतुल कुलकर्णी, अंकुर भाटिया, कविता कौशिक, दयाशंकर, विक्रमजीत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, Amazon.in पर इस मूवी को 5 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। यह मूवी का म्यूजिक मीट ब्रोज और आनंद राज के द्वारा दिया गया है।
यह मूवी दो भाषाओं में रिलीज की गई थी, हिंदी और तेलुगु में। यह मूवी की प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस, फ्लाइंग टर्टल फिल्म्स और रैम्पेज है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी OTT प्लेटफॉर्म G5 पर। जी हाँ दोस्तों, G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जंजीर मूवी आपको पसंद आने वाली है। जंजीर मूवी की कहानी की बात करें तो दोस्तों, विजय रामचरण एक बहुत ही गुस्से वाला और स्ट्रिक्ट पुलिस वाला है। विजय के गुस्से की वजह से कई बार ट्रांसफ़र हो चुके हैं। आखिर उसका ट्रांसफ़र मुंबई में होता है, जहां पर तेजा प्रकाश राज का ऑयल माफिया का बिजनेस चलता है। विजय इस ऑयल माफिया को ख़त्म करने के लिए ठान लेता है। माला प्रियंका चोपड़ा एक NRI है, जो कि अपनी एक फेसबुक फ्रेंड की शादी अटेंड करने को न्यूयॉर्क से मुंबई आती है। उसी दौरान एक पेट्रोल पंप के पास हुए एक मर्डर को देख लेती है, तो पुलिस को फ़ोन करती है और मर्डर के बारे में बताती है। विजय पता लगाता है कि आखिर पुलिस को फ़ोन किसने किया था। माला का पता जानकर वो होटल में आकर माला से मिलता है और उसे मदद करने को कहता है। पहले माला मना कर देती है, लेकिन बाद में वो पुलिस के साथ मिलकर उस अपराधी को पकड़ने में मदद करती है। विजय माला को अपने घर पर ही रहने के लिए कहता है, क्योंकि गुंडे माला को मारने की कोशिश करते हैं। तेजा किसी तरह से चालाकी से विजय को सस्पेंड करा देता है और उसके बाद विजय पूरी तरह से तेजा को बर्बाद करने में जुट जाता है। आखिरकार विजय को यह भी पता चलता है कि बचपन में जिस इंसान ने उसके माता पिता को मारा था वो तेजा ही था, और तेजा को मार डालता है। विजय के घर पर रहते माला और विजय एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। विजय और माला के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके करीब आ जाती है। फिल्म में दोनों के बीच कई रोमांटिक सीक्वेंस शूट किए गए हैं। यह मूवी साल 2013 में आई द्विभाषिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन अपूर लाखिया ने किया है। यह फिल्म हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। यह फिल्म वर्ष 1973 में आई फिल्म जंजीर का रीमेक थी। फिल्म में तेलुगु एक्टर रामचरण, तेजा और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप मूवी साबित रही थी। यह मूवी बिल्कुल भी नहीं चली थी। अगर आपको इस मूवी को देखना है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा, जी अनमोल, जी एक्शन, इन सभी टेलीविज़न चैनल्स पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों, आप भी इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, यह मूवी के अंदर आपको शानदार ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ कई रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो जंजीर मूवी वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित रही थी, लेकिन आप इस मूवी को हिंदी में एक बार तो ज़रूर देख सकते हो जी सिनेमा। और दोस्तों, तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार रामचरण की मच अवेटेड मूवी जंजीर को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जंजीर मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों,
यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, तो 6 सितंबर 2013 को रिलीज हुई हिंदी और तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी जंजीर। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अपूर्वा लखिया ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो रामचरण, संजय दत्त, प्रियंका चोपड़ा, प्रकाश राज, माही गिल, अतुल कुलकर्णी, अंकुर भाटिया, कविता कौशिक, दयाशंकर, विक्रमजीत आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, Amazon.in पर इस मूवी को 5 में से 3.3 की रेटिंग हासिल है। यह मूवी का म्यूजिक मीट ब्रोज और आनंद राज के द्वारा दिया गया है। यह मूवी 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, हिंदी और तेलुगु में। यह मूवी की प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस, फ्लाइंग टर्टल फिल्म्स और रैम्पेज है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी OTT प्लेटफॉर्म G5 पर। जी हाँ दोस्तों, G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जंजीर मूवी आपको पसंद आने वाली है। जंजीर मूवी की कहानी की बात करें तो दोस्तों, विजय रामचरण एक बहुत ही गुस्से वाला और स्ट्रिक्ट पुलिस वाला है। विजय के गुस्से की वजह से कई बार ट्रांसफ़र हो चुके हैं। आखिर उसका ट्रांसफ़र मुंबई में होता है, जहां पर तेजा प्रकाश राज का ऑयल माफिया का बिजनेस चलता है। विजय इस ऑयल माफिया को ख़त्म करने के लिए ठान लेता है। माला प्रियंका चोपड़ा एक NRI है, जो कि अपनी एक फेसबुक फ्रेंड की शादी अटेंड करने को न्यूयॉर्क से मुंबई आती है। उसी दौरान एक पेट्रोल पंप के पास हुए एक मर्डर को देख लेती है, तो पुलिस को फ़ोन करती है और मर्डर के बारे में बताती है। विजय पता लगाता है कि आखिर पुलिस को फ़ोन किसने किया था। माला का पता जानकर वो होटल में आकर माला से मिलता है और उसे मदद करने को कहता है। पहले माला मना कर देती है, लेकिन बाद में वो पुलिस के साथ मिलकर उस अपराधी को पकड़ने में मदद करती है। विजय माला को अपने घर पर ही रहने के लिए कहता है, क्योंकि गुंडे माला को मारने की कोशिश करते हैं। तेजा किसी तरह से चालाकी से विजय को सस्पेंड करा देता है और उसके बाद विजय पूरी तरह से तेजा को बर्बाद करने में जुट जाता है। आखिरकार विजय को यह भी पता चलता है कि बचपन में जिस इंसान ने उसके माता पिता को मारा था, वो तेजा ही था, और तेजा को मार डालता है। विजय के घर पर रहते माला और विजय एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। विजय और माला के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके करीब आ जाती है। फिल्म में दोनों के बीच कई रोमांटिक सीक्वेंस शूट किए गए हैं। यह मूवी साल 2013 में आई द्विभाषिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन अपूर लाखिया ने किया है। यह फिल्म हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। यह फिल्म वर्ष 1973 में आई फिल्म जंजीर का रीमेक थी। फिल्म में तेलुगु एक्टर रामचरण, तेजा और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप मूवी साबित रही थी। यह मूवी बिल्कुल भी नहीं चली थी। अगर आपको इस मूवी को देखना है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर हिंदी भाषा में
देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन टेलीविजन के चैनल जी सिनेमा, जी अनमोल, जी एक्शन, इन सभी टेलीविजन चैनल्स पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों आप भी इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यह मूवी के अंदर आपको शानदार ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ कई रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो जंजीर मूवी वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित रही थी, लेकिन आप इस मूवी को हिंदी में एक बार तो ज़रूर देख सकते हो जी सिनेमा और